सो गाइस, यदि आप बिगनर डीजे और आपको ऐसा लगता है मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जो कि अभी के लिए फ्री है और मुझे बाद में जाके उसमें प्रॉब्लम ना आए, तो आज हम इस वीडियो में इसी रिलेटेड बात करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, जैसे कि यदि आप बिल्कुल ही बिगनर डीजे हैं तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, या आपके पास कोई हार्डवेयर है, मतलब कोई डीजे आपके पास कंट्रोलर है तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, तो इस रिलेटेड सारी बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे एंड डीजे, आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते हैं जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। यदि गाइस कभी हम गेस करें जो मेजोरिटी ऑडियंस है फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाली, वह कौन सी है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, तो मुझे लगता है वह वर्चुअल डीजे की है और उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, यही सारे काम आप रिकॉर्ड बॉक्स एक सॉफ्टवेयर पर कर सकते हो, बट जो रिकॉर्ड बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है उसका फ़ायदा आपको बाद में देखने को मिलता है, जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप क्लब या बार या रेस्टोरेंट जाते हैं ऐसे डीजे, तो आप जो कंट्रोलर देखेंगे वहाँ पर, जो मोस्टली कंट्रोलर होंगे वह पायनियर डीजे के होंगे, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है वह पायनियर डीजे का ही है, तो वह आपके हर चीज़ में कंफर्टेबल है। आप बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से आप डायरेक्ट ही प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और बहुत अच्छा एडवांटेज देखने को मिलता है, जैसे कि आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर से प्ले ही नहीं करना चाहते हैं, जो आपका लैपटॉप है उसको आप अलग रख के आपके यूएसबी ड्राइव से प्ले करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी प्ले लिस्ट है उसे आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर से और आप प्ले कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा एडवांटेज है यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो, क्योंकि आपको पता है जो आपकी प्लेलिस्ट है कितना टाइम लग जाता है उसे बनाने में, उसके जो क्यू पॉइंट हैं, हॉट क्यूज़ हैं, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है और आपको अरेंज करना है आपको कहाँ पर रखना है, उसमें आपको मंथ लग जाते हैं और आपकी ज़्यादा बड़ी प्लेलिस्ट है तो आपको ईयर्स भी लग जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा काम है जो बहुत ईजी तरीके से आपके रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर पर हो जाता है। बट आप मुझसे यह भी बोल सकते हैं जो पेन ड्राइव बनाने वाला ऑप्शन है वह वर्चुअल डीजे पर भी आ चुका है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ बिल्कुल वह अभी अभी आया है, बट यही टेक्नोलॉजी जो रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर है बहुत पहले से यूज़ कर रहा है और उन्होंने बहुत सारे करेक्शन करके उसे अब एडवांस भी बहुत कर लिया है। इसके अलावा आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलता है, जो आप कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं वह भी पायनियर का है, जो रिकॉर्ड बॉक्स यूज़ करेंगे वह भी पायनियर का, तो यह भी आपको एक एडवांटेज देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आपको लैपटॉप से प्ले करना है तो भी आप फ्री वर्जन पर प्ले कर सकते हैं, या आपको एक्सटर्नल मिक्सर से प्ले करना है तो आप साउंड कार्ड लगा के प्ले कर सकते हैं रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर से, तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर में। बट आप मुझसे यह भी पूछ सकते हैं, मेरे पास पहले से ही कंट्रोलर है, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आपके साथ सॉफ्टवेयर फ्री आया है जैसे रिकॉर्ड बॉक्स 5 का लाइसेंस आपके पास है तो आप वह यूज़ कीजिए, आपके पास कोई सेराटो है तो आप वह यूज़ कीजिए, आपके पास वर्चुअल डीजे फ्री आया है तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें आपको एक और एडवांटेज देखने को मिलता है, आप रिकॉर्ड बॉक्स 5 यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पायनियर कंट्रोलर हैं जो कि रिकॉर्ड बॉक्स 6 में फ्री चलते हैं, तो यह भी हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है वह पायनियर की कंपनी का ही है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, आपका डीडीजे 400 है, उसका आपका कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका रिकॉर्ड बॉक्स 5 का भी लाइसेंस नहीं है, तो भी आपके रिकॉर्ड बॉक्स 6 में आप फ्री चला सकते हैं। डीडीजे आरवी को आप फ्री चला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद डीडीजे आरवी है, उसे मैं फ्री चलाता हूँ रिकॉर्ड बॉक्स 6 में, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलते हैं यदि आप रिकॉर्ड बॉक्स 6 यूज़ करते हैं तो। बट यदि आप उससे पूछेंगे कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली यदि मैं रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ तो मैं आपको बता चाहता हूँ मुझे एक प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि आपको कुछ एडवांस लेवल के फीचर यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको कोर या क्रिएटिव प्लान लेना पड़ेगा, या आपको कोई स्पेसिफिक कंट्रोलर यूज़ करना है उनसे प्ले करना है तो उसके लिए भी आपको कोर या क्रिएटिव प्लान लेना पड़ेगा, या क्राउड सर्विसेज यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको कोर या क्रिएटिव प्लान लेना पड़ेगा। बट यही चीज़ आप मंथली सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए नहीं ले सकते, तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। इसके अलावा यदि आप वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें आप लाइफ टाइम के लिए आप बाय कर सकते हैं वर्चुअल डीजे को। सो गाइस, मुझे लगता है इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।